स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी लाइन राहुल भाटी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, एम्स निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने जनपद के सभी नागरिकों को आजादी के 75वें वर्षगांठ व 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी अधिकारियों ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग हमारे देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को याद करें और देश प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा काम करें जिससे प्रदेश व देश का नाम रोशन हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी लाइन राहुल भाटी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। देवेंद्र कुमार सिंह, चीफ फायर अफसर गोरखपुर। ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव भव्य भारतवर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, और इसको अच्छे से मनाएं और पूरा उल्लास के साथ सभी अपने घरों में, आवासों में सबके यहाँ ये तिरंगा फहराना चाहिए। एक अच्छा संदेश होना चाहिए कि भारत में बड़े हर्षोल्लास से ये जो पावन पर्व, जो राष्ट्रीय पर्व है, मनाया जा रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरेखा किशोर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर से, और मैं हमारी सभी जनता जनार्दन और जितने दर्शक इस क्लिप को देख रहे हों, उनको सबसे पहले मेरा बहुत सादर प्रणाम और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले आप सभी को हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरी तरफ से संदेश ये होना चाहिए कि इस बार हम 75वीं मना रहे हैं, लेकिन हमें 100वीं वर्षगांठ के लिए प्लान करना चाहिए, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे जोर दिया है कि हमको 100वीं वर्षगांठ बिल्कुल धूमधाम से मनानी चाहिए। और उसके लिए हमें आज से ही प्लान करना है कि हमको प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर होना है और हमारे को अपने देश को किस जगह पर रखना है। पूरी दुनिया में हमारा कंट्री जो है, इंडिया का, भारत का नाम हो। और दूसरी चीज़, हमारे को आज़ादी का अमृत महोत्सव खाली एक दिन या दो दिन के लिए नहीं मनाना है, हमको ये आज़ादी का अमृत महोत्सव रोज़ मनाना चाहिए, ताकि हमारे हर किसी भारतीय के मन में एक स्वदेशी की भावना और हमारे एक पेट्रियाटिज़म होनी चाहिए। और उसको जागरूक रखने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक या दो दिन तक सीमित ना रखें, बल्कि आज़ादी का अमृत महोत्सव निरंतर चलना चाहिए। चूँकि हम भारत में रहते हैं और हम सब भारतीय हैं, और हमारा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप छोटा सा ही एक कदम लें अपने भारतीयता की ओर, स्वदेशी की ओर, चाहे हमारे खादी पहनने की बात है, चाहे क्लीनलीनेस की बात है, साफ़ सफाई अभियान की बात है, कुछ भी, उन सब में आगे बढ़ चढ़ के चाहे अपना छोटा सा ही हिस्सा दें, पर योगदान दें। बूंद बूंद से समुद्र भरता है, और इसी तरह से हम सोचते हैं कि हर इंसान अपना अपना छोटा छोटा योगदान भी देगा एक भारतीयता की ओर, स्वदेशी की ओर, तो हमारा देश डेफिनेटली बहुत उत्थान करेगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद। 15 अगस्त की पावन पर्व पर मैं पूरे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो गोरखपुर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि हम सभी लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर, आपसी दीवारों को गिराकर, हम लोग एकजुट होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ें। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि गोरखपुर पिछले 7-8 साल में कितनी लंबी विकास की यात्रा तय कर चुका है, लेकिन अभी भी हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। तो हम सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संकल्प लें
कि हम लोग अपने सारे आपसी रंजिश मतभेद को भुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुसार एक नया गोरखपुर, एक नया उत्तर प्रदेश बनाने में तन मन से जुट जाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से समस्त गोरखपुर वासियों को हार्दिक बधाई। और जैसे ही आप सबको पता है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो इसको पूरे जोश के साथ मनाएं, सतर्क रहें और इसको संपूर्ण सौहार्दता से मनाएं। ये मेरी शुभकामनाएं सबके लिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस वर्ष जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपनी 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, मैं चाहूँगी कि लोग इस दिन को सिर्फ 15 अगस्त के दिन सेलिब्रेट ना करें बल्कि पूरे वर्ष भर इसको सेलिब्रेट करें। और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे से हो सकता है देश को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, वो लोग हम लोग लगातार करते रहें। अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरी सिंसियरिटी से करें। अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको सिंसियरिटी के साथ करें ताकि हम अपने देश को और ऊंचाई से और ऊंचाई पर पहुँचा सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व मैं देश के समस्त बंधु बांधवों को शुभकामना देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि देश के सभी भारतवंशी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे, इस अमृत महोत्सव वर्ष में देश को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और अपने तिरंगे को आसमान तक पहुंचाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे। और यही वास्तविक आज़ादी के जो दीवाने थे उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। आज तहसील में अभी भी आप देख रहे होंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरी तरफ से व समस्त तहसील वासियों की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसा कि हम सभी को पता है 75 साल कंप्लीट हुए हैं और 76वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, गोरखपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे सभी गोरखपुर वासियों को कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़े हर्षोल्लास से ये महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इसके सहभागी बने। आज मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद। सभी लोगों को, जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ढेरों शुभकामनाएं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा इसको हर्षोल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ अच्छे ढंग से मनाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रदेश सरकार उनके इस खुशी में शरीक होगी और उनको हर प्रकार की मदद करेगी।